नमस्कार आदाब दोस्तों, आने वाले 2022 के साल में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत मणिपुर भी शामिल है। तो चलिए आज हम बात करेंगे इसी में शामिल उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के एक ताजा ओपिनियन पोल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश समेत कई और ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो चलिए आज हम उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करेंगे। आपको हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी बीएसपी, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, क्या इस बार भी बीजेपी का जादू उत्तर प्रदेश में चलेगा, या फिर जिस तरह से कोरोना काल में बीजेपी की जो छवि है वो खराब हुई है, इसके चलते बीजेपी को सत्ता गवानी पड़ेगी और समाजवादी पार्टी बीएसपी मिलकर के बीजेपी को मात दे पाएंगी, इसके आंकड़े हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंचे। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वे कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जिस तरह से बीजेपी की छवि उत्तर प्रदेश में खराब हुई है, इसको बनाने के लिए बीजेपी आरएसएस की मीटिंग लगातार अब जारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अगले साल शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते विपक्षी दलों खास करके समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने संक्रमण के प्रबंधन को लेकर के राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं संघ और बीजेपी की शीर्ष लीडरशिप किसी भी हाल में यूपी की सत्ता को नहीं गवाना चाहती है। ऐसे में संघ और बीजेपी डैमेज कंट्रोल के मूड में जुट गए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते जिस तरह की खबरें उत्तर प्रदेश से आई, उनमें बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई हैं। अगले साल की शुरुआत में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते विपक्षी दलों खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संक्रमण में कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो चलिए हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इस 403 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के में कि इस बार इस कोरोना काल के बाद उभरने पर बीजेपी को क्या फायदा होगा, या फिर कृषि कानून जैसे मुद्दों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। चलिए पहले हम नजर डालते हैं 2016 यानी कि 17 के विधानसभा चुनाव पर कि 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई थी। बीजेपी टोटल 384 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि उसके खाते में महज 312 सीटें गई थी। और अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी यहां पर लगभग 311 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 47 जीतने में कामयाब रही थी। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी टोटल जो है 114 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि 7 सीटों पर उसको जीत हासिल हुई थी। बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी टोटल जो है लगभग 300 के करीब करीब सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि 19 सीटों पर चुनाव जीती थी। आरएलडी 1 और अदर पार्टी के खाते में 17 सीटें गई थी। अगर यहां पर हम वोट की बात करें कि किस पार्टी के खाते में कितना वोट गया था, तो इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा वोट गया था बीजेपी के खाते में। 3,44,3,299 वोट गया था बीजेपी के खाते में। इसका टोटल 39.67% वोट बीजेपी को मिला था 2017 में। और टोटल वोट समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो इसको 1,89,23,169 वोट मिला था, यानी कि टोटल 21.82% वोट समाजवादी पार्टी के खाते में गया था। वही बात करें अगर कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को 54,16,540 वोट मिला था। इसका टोटल 6.25% वोट कांग्रेस पार्टी के खाते में गया था। अगर बात करते हैं बीएसपी की, तो बीएसपी को 1,92,81,340 वोट मिले थे। टोटल इसका 22.23% वोट यानी कि इनके खाते में गया था। लेकिन इस बार क्या होगा दोस्तों, इस बार किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, तो इसके आंकड़ों पर हम नजर डालेंगे और आपको बताएंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में भगवा लहराएगा या फिर लाल और नीला मिलकर के भगवा को पोतने का काम करेंगे। चलिए सबसे पहले यहां पर जब सर्वे के आंकड़े हम आपको बताते हैं दोस्तों, सर्वे का जो सैंपल साइज है वो लगभग 40,000 से ज्यादा लोगों से ये पूछा गया कि आप इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। तो जिसमें सबसे पहला सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, इस योगी सरकार के कार्यकाल
का कामकाज आपको कितना पसंद आया है, कितना अच्छा लगा है, तो लगभग 40,000 से ज्यादा लोगों से पूछे गए सवाल में 32% लोगों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अच्छा कामकाज किया है, जबकि खराब कहने वाले 39% लोग हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार से 39% लोग नाराज हैं, जबकि 32% लोग जो है खुश हैं। वही कह नहीं सकते वालों का आंकड़ा भी लगभग 17% है। तो ये तो पहला सवाल है जिसमें बीजेपी मात खाती भी दिखाई दे रही है। जब यहां पर दूसरा सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री की पहली पसंद यानी कि आपकी नजर में कौन है, तो योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव के बारे में पूछा गया, तो योगी आदित्यनाथ हालांकि मुख्यमंत्री पद की सबसे पहली पसंद बने हुए हैं। 36% लोगों ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ यहां के मुख्यमंत्री बनने चाहिए, जबकि अखिलेश यादव दूसरे नंबर पर रहे। अखिलेश यादव 35% लोगों ने कहा है कि अखिलेश यादव यहाँ के मुख्यमंत्री बनने चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में सिर्फ 1% का ही फासला है। और मायावती की अगर बात करें तो मायावती को लगभग 26% लोगों ने कहा है कि वो यहाँ की मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बननी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कृषि कानून को लेकर के। कृषि कानून का नुकसान कितना बीजेपी को होगा, ये भी सवाल जब लोगों से पूछा गया तो इसमें नुकसान होगा कहने वाले लोगों ने हां में हां भरी है। लगभग 68% लोगों ने यह कहा है कि बीजेपी को इसका नुकसान होगा कृषि कानून का उत्तर प्रदेश के अंदर। नहीं कहने वाले 24% लोगों का मानना है कि नुकसान नहीं होगा कृषि कानून का। कह नहीं सकते वाले लोग लगभग 7% हैं। चलिए अब तो यह सब कुछ हो गया, कृषि कानून मुख्यमंत्री की पहली पसंद और योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज का लेखा जोखा। अब हम टोटल आंकड़ों पर बात कर लेते हैं दोस्तों, सीट के आंकड़े क्या कहते हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं वोट परसेंटेज किसके खाते में कितना परसेंट वोट जा सकता है। तो बीजेपी को पिछली बार मिला था दोस्तों 39.67% वोट, लेकिन इस बार बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। बीजेपी को महज 35% वोटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है, जबकि समाजवादी पार्टी यहां पर 37% वोट पा सकती है। तो बीजेपी 35% और समाजवादी पार्टी 37% वोट यानी इन दोनों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के खाते में महज जो है 16% वोट जा सकता है और अन्य के खाते में 12% वोट जा सकता है, जिसमें कांग्रेस अदर पार्टी भी शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज के मामले में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उत्तर प्रदेश में उभर रही है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले यानी आंकड़ों में क्या हाल हो सकता है बीजेपी का। चलिए अब हम टोटल बात करते हैं सीटों के आंकड़ों की, सीट किसके खाते में कितनी जाएंगी दोस्तों। तब यहां पर बीजेपी के खाते में लगभग 403 में से महज 130 सीटें ही जा सकती हैं। बीजेपी को यहां पर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, 312 के मुकाबले 130 सीटें ही इस बार बीजेपी के खाते में जा सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 160 से ज्यादा सीटें जीत सकती है, यानी कि समाजवादी यहां पर सरकार बना सकती है। बात करें बीएसपी की तो बीएसपी के खाते में 55 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 19 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि इस बार बीजेपी सत्ता में वापस उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी। आपका अपना क्या प्रेडिक्शन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।